सो हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है आप सभी करने फिर जुड़े में। आज मैं लेके आया आप सभी के सामने ये फ़ोन। ये तो आईफोन है, रियलमी का फ़ोन। आज मैं करूँगा इसके बारे में बातचीत। मतलब ऐसे कुछ ऐसे दमदार फ़ोन है, 10,000 के अंदर आपको आईफोन वाले चीज़ें मिलेगी, उसके बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। रियलमी का केक हम करेंगे इसको अनबॉक्स। तो फ़ोन मतलब ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसे प्यारा सा फ़ोन है, तो लुक वाइज भी इसका बहुत अच्छा है। ये डब्बा ऐसे लग रहा है कि गिल्ला विल्ला हो रखा, ब्लू डार्ट से आया था ये, तो ज़्यादा ही पिचका रखा इसको। तो देखते खोल के कि कैसा है फ़ोन, क्या प्रोटेक्शन वगैरह डब्बे में कैसे करके। ये रियलमी की ऑफिशियल साइट से ही मंगाया मैंने, और आपको ये फ़ोन चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो ये है इसका बॉक्स, पीछे लिखी है इसकी डिटेल्स, अगर आपको दिख पा रही होगी। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 18 वोल्ट की चार्जिंग है, 5000 mAh बैटरी है, 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट है, बहुत अच्छी बात है एक। और साथ में अगर बात करें हम, 6.74 इंच की डिस्प्ले है। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको इसके अंदर मिलती है फ़ोन में, और कैसा रहता है ये फ़ोन। ये ज़रूरी है भाई, पॉलिथीन वॉलिथीन चढ़ा रखे जो सैमसंग के फ़ोन में हमको नहीं मिले थे। खुल जा। और भी कुछ लगा हो गया, कुछ अलग तरह से खुलता है। यहाँ से सील लगी हुई है एक, इसको भी हम करते हैं खोलते हैं। खुल जा सिमते हैं, तो ये ऐसे करके खुलेगा, अच्छी बात है। थोड़ा अलग कर दिया है, ऊपर से नहीं खोल रहा, मतलब साइड से खोल रहा। तो ये हटाते हैं हम इसको, चलो हटाते निकाले, देख लेते क्या है इसके अंदर। तो ऐसे करके कुछ लुक है, देखिए आप सेम मतलब आईफोन जैसा डिज़ाइन दे रखा है इसका भी। और कुछ मेन्यू गाइड, इसको रखते हैं हम साइड में। और अंदर और कोई चीज़ मिलेगी नहीं, ये मिल रही है पिन सिम निकालने के लिए। और ये है आपका फ़ोन, इसको हम रखते हैं साइड में। और चार्जर देखते हैं, शायद 18 वोल्ट का ही चार्जर होगा, क्योंकि जो 18 वोल्ट सपोर्टेड है इसमें, तो हाँ ये 18 वोल्ट का ही चार्जर है। इसको रखते हैं हम साइड में और देखते हैं केबल कौन सी मिल रही है। टाइप सी होगी वैसे, अब टाइप सी आती ज़्यादातर, और कोई तो आती नहीं। तो हाँ ये मिल रही है आपको USB Type-A टू Type-C केबल, इसको भी रखते हैं हम साइड में। मतलब सारी चीज़ें हम उठा लेते हैं। कवर को हमने इसलिए रखा है, कवर के साथ लुक ही अलग मिलेगा। अब हटाते हैं हम फ़ोन के इस कवर को। ये प्यारा सा फ़ोन आ रहा है आपके सामने, देखिए मतलब पीछे से डिज़ाइन ऐसे लग रहा है जैसे कि आईफोन ही पकड़ा है आपने। मतलब अगर दूर से आप देखें आपको पहचान इतनी ज़्यादा होगी नहीं इसको, है ये देखिए। और कवर लगा के तो मतलब आप यही कहेंगे यार कि आईफोन ही तो नहीं यूज़ कर रहा मैं। देखिए, और ये देखिए तो सेम लग रहा है। अब हम इसको जब तक ये ऑन होता है तब तक मैं देता हूँ इसका फिजिकल ओवरव्यू, और साइड में आपका स्पेसिफिकेशन भी दिखती रहेगी। तो हो गया ऑन ये वाइब्रेशन के साथ। पीछे आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, और ये थोड़ी मैट सी है बॉडी इसके पीछे से, और ऊपर शाइनिंग सा कर रखा है। फिंगरप्रिंट इस पर थोड़े हल्के हल्के चिपकते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे के साइड मिलता है आपको टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक, साथ में माइक और स्पीकर ग्रिल। इस साइड आपको मिलती है सिम ट्रे, देखते हैं कौन सी सिम है इसके अंदर, डुअल सिम लगता है। वैसे मेरे हिसाब से हाइब्रिड तो शायद देते होंगे, मगर फिर भी चेक करते। और ये वेरिएंट है 4GB 128GB वाला, खुल नहीं रहा, बड़ा ऐसे टाइट सा लग रहा है, दिक्कत है कोई मेरे कैसे। अब खुला है तो हम देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। ओ ये बहुत एक मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने फ़ोन में ये चीज़ देखी है, जो आपको मिलता है डुअल सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड वाला, मतलब 128GB स्टोरेज होने के बावजूद भी ये चीज़ इन्होंने दी है। और सेट आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन और ये फिंगरप्रिंट सेंसर। ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसे फ्लैश भी दिए मस्त, मतलब ये यार ये मस्त लग रहा है मेरे को। अब इसको हम करते हैं इतना अनलॉक। ये चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगी, याद ये ब्लोटवेयर आ गया है, ये चीज़ थोड़ी इनको ध्यान रखनी चाहिए कि यार नहीं होना चाहिए ये चीज़ अब फ़ोन में। और यार लुक की तो बात करें, वो मज़ा ही आ गया। मतलब अगर आप यूज़ करेंगे इस फ़ोन को आपको मज़ा आया। बस एक चीज़ की कमी है, इसमें 5G भी दे देते थोड़े और पैसे लगा के, तो भाई साहब नंबर वन फ़ोन था ये, कोई दिक्कत ही नहीं। ड्रॉप नोट स्क्रीन के साथ मिलता है, और 90 Hz जैसे रिफ्रेश रेट है। तो जैसे कि मैंने पहले वाला इसका नार्जो 60 यूज़ किया है, उसके मुकाबले में थोड़ा बहुत स्लो है 90 Hz में, मगर इतना ज़्यादा लगने रहा ब्लोटवेयर। तो जैसे कि मैंने कहा था यार ये भर के देते जोश वोश ऐप वगैरह, ये चीज़ का इनको थोड़ा यार ध्यान रखना चाहिए कि भाई ना ही दे तो मतलब मज़ा ही आएगा कि अगर तुम ये चीज़ें ना ही करो तो।
हम चेक करते हैं कितने स्टोरेज मिलते हैं और कौन सा इसके अंदर आपको वेरिएंट मिलता है। यहाँ देखिए ये लिखा है 4GB+4GB, मतलब और ऐड कर सकते हैं आप। एंड्रॉयड 13 के साथ आता है ये एक अलग बात है, मतलब मस्त बात है। अलग बात क्या है इसमें, और रियलमी UI एडिशन T एडिशन है, मतलब ये अलग एडिशन निकाली है इसके लिए। मेरे को लग रहा है थोड़ा ऐसे UI में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मगर इतना फ़र्क मेरे को दिख नहीं रहा लुक वाइज, क्योंकि यार सेम ही सा है। अगर यहाँ आप देखें तो ये देखिए यही वही वन प्लस वाला ही लुक दे रखा है। वन प्लस का है, रियलमी का है, ओप्पो का है, तीनों एक ही चीज़ है, वही चीज़ दे रहे हैं, ब्लोटवेयर भर भर के दे रहे हैं। अब वो चीज़ यार, वो चीज़ मेरे को हिसाब से नहीं करनी चाहिए इनको, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। हम स्टोरेज चेक करने वाले थे कि स्टोरेज कितनी मिलती है। 128GB में से स्टोरेज 23GB यूज़ है 128GB में से। चलो ये तो बनता है यार, थोड़ा बहुत तो ये यूज़ करते ही है। और अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था ये रैम वगैरह आप बट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं, 4GB और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। यार लुक फिर से मैं कह रहा हूँ, लुक बहुत बढ़िया लग रहा है यार मेरे को इसका, मतलब मज़ा ही आ गया। कैमरा वगैरह हम देखें कि 108 मेगापिक्सल में ऐसा क्या कमाल करा है इन्होंने कि भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा इन्होंने दिया है। यार कुछ तो मतलब ऐसे चौंकाने वाली बात होगी इसमें। यार रिफ्रेश रेट में जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, और इसमें आपको ऑटो में ही 90Hz मिल जाता है, मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कई फ़ोनों में 60Hz मिलता है जो आपको सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ता है, इसमें आपको नहीं, आपको साथ के साथ ही मिलेगा 90Hz ऑटो में। या 60Hz भी आप कर सकते हैं, अगर आपको बैटरी बूटरी बचानी है तो आप 60Hz भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ऑटोमेटिक तो 90Hz मिलेगा, ये थोड़ी एक अच्छी बात है। और चलाने में मज़ा आ रहा है ये फ़ोन। अब इसकी थोड़ी आवाज़ वूज भी चेक करते हैं, कोई इसके गाने को नहीं चला के देखते हैं कि लाउडनेस वगैरह हम दूसरे ऐसे सुन के देखते हैं, मगर इसमें भी हमको चेक करना चाहिए कि क्या है ये। ठीक है, लाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी बेटर लग रही है इसमें, कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि स्क्रीन क्वालिटी लो है, मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बस एक चीज़ की कमी है, अगर इसमें 5G भी दे देते तो यार ये फ़ोन ज़बरदस्त होता है इसमें, मतलब आप कुछ भी यूज़ करें कैसे भी चलाएं, मतलब 90Hz बहुत बढ़िया काम कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छी फील दे रहा है। और यार ये देखिए कवर के साथ लग रहा है ना ये आईफोन, अगर मैं दूर से ऐसे दिखाऊँ तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे डाउट हो सकता है। अगर मान लो किसी को ज़्यादा पहचान नहीं है तो शायद एक बारी में बंदा ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाए यार कहीं 14 प्रो तो या प्रो मैक्स तो नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ह्यूज है। बस ये कलर डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, मगर डिज़ाइन थोड़ा यार अपना यूनिकनेस भी लेके आए, वो चीज़ मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि फ़ोनों से थोड़ा यार चेंज करे अपना कुछ अलग डिज़ाइन। जैसे रियल मी मैंने अभी जो नार्जो 60 अनबॉक्स किया था उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था, अलग था दिखने में, वो जो बैग थी कलर था वो भी थोड़ा अलग था। हाँ डिज़ाइन इसमें कह सकते हैं, मगर अगर इस डिज़ाइन की भी बात करें तो ये डिज़ाइन थोड़ा बहुत, अगर आप पिक्सल, आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिक्सल 2 XL उसके जैसा इसका डिज़ाइन लगता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिक्सल 2 XL जैसा आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन लगेगा, क्योंकि उसने ये काम किया था। ऊपर जो आपका था फ़ोन वो ऐसे था शाइनिंग में, नीचे आप मैट में देख रहे थे, वही चीज़ इसने की है। नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, फ़ोन पकड़ने में बहुत हैंडी है। बाकी मैं करूँ इस फ़ोन के बारे में और बात, अगर देखिए आप थोड़ा कैमरे का बम्प ज़्यादा है तो आपको कवर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कवर के बावजूद इसमें थोड़ा हल्का बहुत आपको दिक्कत आती है, जैसे आईफोन में कवर है वैसे इसका कवर है, कवर के बाद आपका बिल्कुल H2H कवर होता है। इसमें ये नहीं है कि आपका फ़ोन से कैमरा बाहर आ रहा है, मगर फिर भी बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस पे हो जाता है, तो कवर या तो थोड़ा मोटा यूज़ करें, नहीं तो कैमरे का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रैच व्रैच जल्दी लग सकते हैं इसके कैमरे में, क्योंकि यार आजकल ना कैमरे में बम्प बहुत ज़्यादा देने लग गए। और ये डिज़ाइन के हिसाब से तो मेरे को ये अच्छा लगा, कह सकते हैं कि आईफोन की थोड़ी बहुत कॉपी सी है तो उस हिसाब से है, तो 10,000 का आपको मिल रहा है आईफोन। आपके लिए लेके आया हुआ ऐसे ऐसे फ़ोन, और बताता रहूँ आपको जेन्युइन चीज़ें जो इसके अंदर है और कैसे है, मतलब फ़ोन ये को थोड़ा ऐसे यूज़ करो तभी पता चलेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताया, मैं ज़रूर बताऊँगा कि मेरे को ये फ़ोन यूज़ करते हुए जितना टाइम हो चुका है तो उस हिसाब से मेरे को ये फ़ोन कैसा लग रहा है, यूज़ करने में कैसा है, और बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, 90Hz में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, और 5G की तो कमी थोड़ी बहुत रहेगी। वो भी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए, इसी तरह लगे तो
Thank you.